आज हम लोग देखेंगे फोर्थ एक्टिविटी। फोर्थ एक्टिविटी में आपको क्या करना है, एक टेस्ट ट्यूब लेना है, उस टेस्ट ट्यूब के अंदर आपको नेल्स डालने हैं। ठीक है, नेल्स कैसे होंगे, जिसके ऊपर कोई रस्ट नहीं होगा, नथिंग इज देयर, दैट मीन्स थोड़ा सा शाइनी टाइप दैट, और यू कैन से ग्रेन कलर। ठीक है, टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने फोर नेल्स डाल दिए या फाइव डाल दिए, उसके बाद आपको क्या करना है, उसके अंदर वाटर को पोर करना है। ठीक है, वाटर पोर कर दिया हमने, तो कोई जरूरी नहीं कि आपको फुल पानी डालना है, नहीं, उसके अंदर आपको इस तरह से पानी डालना है कि जो नेल है, नेल में नेल पानी के अंदर भी हो और बाहर जो स्पेस है उसके अंदर भी दिखाई देनी चाहिए, दोनों चीज। ठीक है, पूरा पानी नहीं डालना है। नेक्स्ट, उसके बाद उसमें आपको क्या करना है, ऊपर से कॉक लगा देना है। ठीक है, और उसको एक जगह पे प्लेस कर दो। आफ्टर 4 to 5 days आप उसमें यू विल सी सम चेंजेस इन दैट। क्या चेंज होगा, आपका जो पानी व्हाइट कलर का था, कलरलेस था, नाउ इट गेट चेंजेस इनटू कैसे, लाइट ब्राउन, देन डार्क ब्राउन, और जो नेल था आपका जो ग्रे कलर का था, उसके ऊपर भी आप देखोगे कि कलर चेंज हो गया है जो पानी के अंदर था। ऊपर की तरफ ग्रे रहेगा और नीचे की तरफ आपका ब्राउन कलर का हो गया। That means आपका केमिकल रिएक्शन इज देयर। हुआ क्या, रस्ट फॉर्मेशन वॉज देयर, आपका रस्ट फॉर्म हुआ। ठीक है, और रस्ट का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि इसके अंदर भी हमारा कलर इज चेंज्ड, एंड जो रस्ट है Fe2O3 दैट मीन्स जो थोड़ा सा एयर बचा हुआ था ऊपर टेस्ट ट्यूब के अंदर, वो रिएक्ट कर गया उसके साथ, एंड वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन था वो भी उसमें रिएक्ट हुआ। तो धीरे धीरे हमारा कलर चेंज होने लगा, तो ग्रे कलर ऊपर की तरफ आप अगर आप देखोगे तो ग्रे कलर दिखाई देगा आपको, और नीचे की तरफ आपका कैसा रहेगा, ब्राउन कलर का। वाटर रिएक्ट कर गया हमारा किसके साथ, नेल के साथ। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, तो हम उसको कैसे लिखते हैं, नॉर्मली हम बोलते कैसे हैं उसको, क्योंकि नेल है बाहर भी, ये तो हमने एक्सपेरिमेंट किया है ना टेस्ट ट्यूब, लेकिन नॉर्मली अगर आप उसको बाहर रख देते हैं, नेल को आज खरीद के लेकर आए, हमने नेल को बाहर रख दिया। ठीक है, आफ्टर 1 month जस्ट सी दैट, आप देखोगे उसके ऊपर रस्ट फॉर्म हो गया। तो रस्ट कहां से फॉर्म हुआ उसके ऊपर, जबकि हमने उसमें पानी डाले नहीं, बट जो हमारा एयर है, एयर के अंदर मॉइस्चर होता है, उस वो मॉइस्चर हमारा नेल के साथ रिएक्ट हुआ, एंड वी गेट फेरिक ऑक्साइड फ्रॉम दैट। ठीक है, कुछ दोनों को मिला रहे हो, दोनों को क्या हो रहा है, एक के अंदर आपका थोड़ा सा एयर है टेस्ट ट्यूब के अंदर एंड नीचे पानी है, और दूसरे साइड में आपका क्या है, नेल है जो एयर में रखा हुआ है, हवा में, रूम में रखा हुआ है, फिर भी दोनों में कलर चेंज हो जा रहा है। जस्ट थिंक, दोनों में क्या हो रहा है, एयर के अंदर जो मॉइस्चर है पहले से ही, वो रिएक्ट कर रहा है आपके आयरन के साथ, तो ग्रे से ब्राउन कर दे रहा है उसे, और यहां पर हमने क्या किया,
पहले से ही पानी डाल दिया उसमें, क्योंकि हमने उसको टाइट कर दिया है, ऊपर से कॉक लगा दिया है। तो जो एयर के अंदर मॉइस्चर उस टेस्ट ट्यूब के अंदर रहेगा वो भी रिएक्ट करेगा हल्का सा, लेकिन जो पानी के अंदर नेल है वो आपकी डार्क ब्राउन कलर में आ जाएगी। ठीक है, अब आपको समझ आ गया कि हो क्या रहा है इसके अंदर। आपका क्या हुआ कि इस एक्टिविटी के अंदर आपका क्या हुआ, कलर इज चेंज्ड। ठीक है।